हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर पोथोस है, सेबू ब्लू पोथोस, उसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। तो देखिए, ये सेबू ब्लू पोथोस का मैंने एक कटिंग लगाया था और एक अच्छी तरह से ये अब ग्रो होने लगा है। ये आसानी से कटिंग से आने वाला प्लांट है और अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो मॉस्टिक पे भी आप लगा सकते हो। मनी प्लांट की फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी फैमिली अरेसी है और ये नेटिव है अमेजोन के जंगलों से, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ये प्लांट है, वहाँ पे ये पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर होती है और अगर आप हैंगिंग पॉट में लगाना चाहते हो तो भी ये बहुत सुंदर ग्रो होता है। इसकी पत्तियों में फेनिस्ट्रेशन आता है जब ये दूसरे पेड़ के ऊपर मनी प्लांट की तरह जब ग्रो होते हैं तो इनकी पत्तियों का साइज भी बड़ा होने लगता है और इनमें छेद आने लगते हैं, यानी कि इनकी वेनेशन के पैरेलल इसमें छेद आते हैं, जैसे कि मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा में आते हैं। कई बार इस प्लांट को मिस्टेक से मॉन्स्टेरा कहा जाता है जब इसमें फेनेस्ट्रेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों का शेप थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है और मॉन्स्टेरा का राउंड शेप होता है। और इसका जो हमने अगर पूरी तरह से इसका जो जो लीफ लैमिना या फिर इसकी जो लीफ की टिप्स है वो देखे तो वो बहुत ही डिफरेंट होती है मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा से। बहुत ही सुंदर दिखता है ये प्लांट और आसानी से ग्रो होता है। इसकी केयर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो हम इंडोर प्लांट के लिए केयर करते हैं वैसी इसकी केयर होती है, जैसे कि मनी प्लांट को हम केयर करते हैं। सॉइल देखिए, मॉइस सॉइल चाहिए। इसमें आप कोकोपीट मिला सकते हो, 25% कोकोपीट, 25% कंपोस्ट, 25% आप गार्डन सॉइल लीजिए और 25% आप सैंड ले सकते हो। सैंड नहीं है तो परलेट भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसको हैंगिंग पॉट में लगा रहे हो तो आप कोकोपीट की मात्रा बढ़ा दीजिए और सैंड कम कर दीजिए, उससे आपका हैंगिंग पॉट थोड़ा सा हल्का होगा, यानी कि वेट कम होगा उसका और हैंगिंग पॉट में आसानी से ग्रो होगा। ये प्लांट मैंने जून मंथ में लगाया था और इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है अभी, यानी कि स्प्रिंग सीजन में। थोड़ा सा ये डोरमेंसी में चला जाता है विंटर सीजन में और अब इसमें नया और एक, यहाँ पर देखिए, ये और एक इसमें शूट आना स्टार्ट हो गया है। तो ये अच्छी तरह से अब ग्रो होगा और सुंदर तरीके से ये मॉस्टिक पे भी ग्रो हो सकता है और ये हैंगिंग पॉट में भी ग्रो हो सकता है। इसमें जो नोड्स होते हैं वहाँ से आप एक कट लेकर आप नया प्लांट बना सकते हैं। नोड से ये देखिए रूट्स आती है ऐसी, और इसी से नया प्लांट बन सकता है। सेबू ब्लू पोथोस जो है आपको नर्सरी में नहीं मिलेगा। ये इतना पॉपुलर प्लांट नहीं है, लेकिन अगर आप प्लांट कलेक्टर है तो ये बहुत ही एक आसान प्लांट है ग्रो करने के लिए और एक अलग तरह की वैरायटी लगाने के लिए। सनलाइट की हम अगर इसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे तो ये सेमी शेड एरिया में आने वाला प्लांट है। उसके साथ साथ ये थोड़ी सी धूप सहन कर सकता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप इस प्लांट को थोड़ी सी डैमेज करती है। इंडोर लगा रहे हो तो किसी भी आप विंडो के पास लगा सकते हो। थोड़ी सी धूप जहाँ पर आती है ऐसी जगह लगा दीजिए तो ये पत्तियों से भर जाएगा प्लांट। आप आउटडोर लगा रहे हो तो किसी बड़े पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो ये पेड़ का सपोर्ट लेके बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है और जैसे जैसे इसकी पत्तियाँ ऊपर चढ़ने लगता है या फिर ग्रो होने लगता है तो इसकी पत्तियाँ बड़ी होने लगती है और उसमें फेनेस्ट्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक आसान प्लांट है, अगर लगाना चाहते हो तो आप कटिंग से इसे लगा सकते हो। वाटरिंग इसका आप अल्टरनेट डे कर सकते हो, अगर आउटडोर रख रहे हो तो, और इनडोर रख रहे हो तो आप इसकी सॉइल चेक करके इसको पानी दे सकते हो। जब ऊपर की एक दो इंच की मिट्टी या फिर थोड़ी सी मिट्टी ड्राई होने लगी तो आप इसको वाटर कर सकते हो। अभी इस ये प्लांट बहुत ही छोटा है मेरा और जैसे जैसे ये ग्रो होगा वैसे वैसे मैं इसको मॉस्टिक पे लगाने वाली हूँ और इतनी इसकी जितनी भी ये नोड्स है
ये देखिए विंटर में ऐसे लीफ आने लगते हैं, ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। तो जितनी भी विंटर की इसकी लीफ थी वो सारी डैमेज आ गई थी, और जैसे ही स्प्रिंग आ गया तो इसकी ये अच्छी पत्तियाँ या फिर नई पत्तियाँ ना स्टार्ट हो गई। इसको हम जब भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो कंपोस्ट ही डालिए। ये प्लांट नेचुरल फर्टिलाइज़र या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा पसंद करता है। लीफ कंपोस्ट इसके लिए आइडियल है। लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर आप इसको काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हो। तो एक आसानी से आने वाला इंडोर प्लांट है, अगर आप लगाना चाहते हो तो आप ज़रूर लगाइए, और इसकी सुंदर पत्तियों का आपके गार्डन में एक एडिशन होगा और बहुत ही सुंदर दिखने वाला आपको प्लांट मिलेगा। तो ये था सेबू ब्लू पोथोस या फिर एपिपेरनम पिनाटम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।